देवी और सज्जनों, आप सभी दर्शकों का स्पॉटिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे छठे भाव के बारे में और उसके अंतर्गत आने वाले सारे व्यवसायों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही है व्यवसाय को लेकर के, और इसके चार हिस्से हैं जिसमें से कि हम दो हिस्से पूरे कर चुके हैं, राशियों के द्वारा व्यवसाय और ग्रहों के द्वारा व्यवसाय। ये तीसरा हिस्सा जारी है जिसमें हम जान रहे हैं भाव के द्वारा व्यवसाय, और आखिरी हिस्से में हम चर्चा करेंगे नक्षत्रों के द्वारा व्यवसाय के बारे में। और इससे आप ये आसानी से जान सकेंगे अपनी कुंडली के अनुसार आपके लिए सबसे अच्छा व्यवसाय, सबसे अच्छा क्षेत्र, सबसे अच्छा प्रोफेशन वो कौन सा हो सकता है जिसमें आप सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और ये अपनी कुंडली से आप कैसे आसानी से जान सकते हैं सबसे सरलता से, उसके बारे में हमने चर्चा की हुई है। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कौन से राशि, कौन कौन से ग्रह, कौन कौन सी राशियाँ किन किन व्यवसायों को संबोधित करते हैं, किन किन व्यवसायों को जो है दर्शाते हैं। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, छठे भाव के बारे में जानते हैं। अभी तक हमने पांचवें भाव तक चर्चा की है और ये जाना है कि पांचवें भाव के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से व्यवसाय होते हैं। यदि आप ये नहीं जानते हैं कि आप कैसे अपनी कुंडली से ये ज्ञात करें कि वो कौन सा भाव है जो कि आपके व्यवसाय को, आपके करियर को, आपके प्रोफेशन को निर्धारित करता है, जिससे कि ये पता चलता है कि व्यक्ति कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उन्नति पा सकता है, उसके लिए सबसे अच्छा क्षेत्र, सबसे अच्छा व्यवसाय कौन सा हो सकता है, तो उस भाव को निकालने का जो तरीका है वो नीचे दिए हुए लिंक में जाएं आप। उसमें जो वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, उसका जो वीडियो है वो आप देखें, और उसमें मैंने मेथड बताया है, पूरा तरीका समझाया है सरल भाषा में, जिससे कि आप ये जान सकें कि वो भाव जो कि आपके व्यवसाय को निर्धारित करता है वो कैसे निकाला जाता है एक कुंडली से। तो अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं छठे भाव के बारे में। छठा भाव क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं। छठा भाव एक उपच्च और दुस्थान भाव है। जीवन पूरी जो कुंडली होती है वो व्यक्ति के जीवन को दर्शाती है। तो एक जो व्यक्ति का जीवन होता है उसमें कुछ सकारात्मक पहलू होते हैं, कुछ नकारात्मक पहलू होते हैं। तो कुछ भाव सकारात्मक चीज़ों को दर्शाते हैं और कुछ भाव नकारात्मक चीज़ों को दर्शाते हैं। तो जो सकारात्मक चीज़ें होती हैं वो हम केंद्र भाव से, त्रिकोण भाव से देखते हैं, और जो नकारात्मक पहलू होते हैं उन्हें हम देखते हैं दुस्थान भाव से, उपच्च भाव से, खास तौर से दुस्थान भाव से। तो छठा भाव उपच्च भाव भी है और दुस्थान भाव भी है। और जो छठा भाव होता है वो कई सारी चीज़ों को दर्शाता है, संबोधित करता है व्यक्ति के जीवन में। वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में पहले जानते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे कि उन सबसे जुड़े हुए व्यवसाय कौन से हो सकते हैं। तो जानते हैं छठे भाव के बारे में। छठा भाव होता है सबसे पहले आपकी सेहत का भाव, आपके शारीरिक बल का भाव, आपके अंदर आपकी हेल्थ जो होती है वो हम छठे भाव से देखते हैं। व्यक्ति कितना स्वस्थ है, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वो छठे भाव से पता चलता है। उसके बाद छठा भाव होता है कर्ज का भाव, डेट्स जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो कर्ज का भाव, उधार का भाव, कई व्यक्ति आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, कर्ज रहता है, उधार रहता है, तो वो छठे भाव से देखा जाता है। यदि छठा भाव अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है, तो व्यक्ति के ऊपर आसानी से ऐसा हो सकता है कि आर्थिक स्थिति में उसको दुर्बलता का सामना करना पड़े। उसके बाद छठा भाव होता है पालतू जानवरों का, जो भी व्यक्ति पेट्स रखते हैं घर में, पालतू जानवर रखते हैं, उनका भाव होता है पांचवा, छठा भाव। छठा भाव दर्शाता है आपके शत्रुओं को, जो भी आपके शत्रु हैं, जो भी दुश्मन हैं, जिनसे भी आपकी आसानी से बनती नहीं है, ऐसे सभी लोग छठे भाव के अंतर्गत आते हैं। छठा भाव दर्शाता है आपके अधीन कार्यरत लोगों को, सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, वो होता है छठा भाव, उनका द्योतक है। उसके बाद छठा भाव दर्शाता है लड़ाइयों को, व्यक्ति के अंदर की व्यवहार कुशलता को, उसके अंदर कितनी मैनिपुलेटिव एबिलिटी है
वो कितनी हद तक उसके अंदर कितनी क्षमता है कि वो अपनी बात को अच्छे से दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सके और उसको कन्विंस कर सके, वो छठे भाव से हमें पता चलता है। तो ये सारी चीजें हैं जो छठे भाव के अंतर्गत आती हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन से वो व्यवसाय हो सकते हैं जो कि छठा भाव दर्शाता है। सबसे पहले छठा भाव सेहत का भाव है, तो इसलिए जितने भी चिकित्सा से रिलेटेड, जितने भी चिकित्सा से संबंधित व्यवसाय हैं वो छठे भाव के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर्स, जो भी फार्मास्यूटिकल उद्योग में हैं जो कार्यरत लोग हैं वो, उसके बाद जो भी दवाइयों का जो व्यापार करते हैं, मेडिसिन से जुड़े हुए लोग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जो भी हीलर्स होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर ऐसी शक्तियां होती हैं या उनको ऐसी विधा की जानकारियां होती हैं जिसकी मदद से वो दूसरों की सहायता करते हैं, उनका इलाज करते हैं, ऐसे हीलर्स वो भी छठे भाव से देखे जाते हैं। उसके बाद छठा भाव होता है आपके अंदर की व्यवहार कुशलता का, इसलिए व्यवहार कुशलता से जुड़े हुए सारे व्यवसाय जिनमें व्यवहार कुशलता अनिवार्य है अच्छी होनी, इसलिए वो सारे व्यवसाय इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि वकालत, जितनी भी वकालत है, जितने भी वकील हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जो भी राजनेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, एक पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके लिए छठा भाव अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आपके अंदर वो क्षमता नहीं होगी कि आप अपने बात को, अपनी अपने अंदर की, अपने मन की बातों को, अपने मन के विचारों को जनता के सामने प्रस्तुत कर सकें और उनको कन्विंस कर सकें, तब तक आप एक सफल राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते। और यही सारी चीज़ें वकालत में भी ज़रूरी होती हैं, इसलिए ये सारे प्रोफेशंस, ये सारे व्यवसाय छठे भाव के अंतर्गत आते हैं। फिर छठा भाव दर्शाता है सारे ऐसे सारे कार्य जिनमें जो कि पशुओं से संबंधित हैं, जैसे कि वर्टिनरी डॉक्टर्स होते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं, या कोई ऐसी एनजीओ जो कि पशुओं के बचाव में कार्य करती है, तो वो उन सारे एनजीओ में काम करने वाले लोग छठे भाव से देखे जा सकते हैं। फिर छठा भाव होता है आपके उधार को दर्शाता है, व्यक्ति के ऊपर जो जीवन में कर्ज है उनको दर्शाता है, तो इसलिए जितने भी लोग बैंक्स में हैं, जो लोग लोन ऑफिसर्स हैं, लोन पास करते हैं, या कोई ऐसे संस्था में काम करते हैं जो लोन देती है लोगों को, तो वो भी छठे भाव के अंतर्गत आती है। फिर छठा भाव दर्शाता है आपके शत्रुओं का भाव होता है छठा भाव, इसलिए छठा भाव आपके हर उस व्यवसाय को दर्शाएगा जो कि शत्रुओं का नाश करती है, जैसे कि रक्षा सेवाएँ, पुलिस सेवाएँ, डिफेंस सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, उसके बाद ऐसे व्यक्ति जो कि हथियारों के कारोबार से जुड़े हुए हैं, हथियारों के लेन देन में जुड़े हुए हैं, वेपन्स का जो होता है, वेपन्स का जो उद्योग है उसमें जो कार्यरत लोग हैं वो छठे भाव से देखे जाते हैं। छठा भाव अभियांत्रिकी को दर्शाता है, अर्थात इंजीनियरिंग को भी दर्शाता है, इंजीनियर्स भी हम छठे भाव से देखते हैं, धातुओं का जो कार्य करते हैं, जो मेटल्स का कार्य करते हैं, वो सारे व्यक्ति छठे भाव में आते हैं। जो भी व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में है, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी भी चीज़ का उत्पादन हो, वो खास तौर से मैकेनिकल चीज़ें, खास तौर से ऐसी जो कि धातुओं से जुड़ी हुई हैं, वो ऐसे व्यक्ति छठे भाव से देखे जाते हैं। फिर छठा भाव दर्शाता है खेल का भाव, क्योंकि छठा भाव मूलतः खेल का भाव नहीं है, छठा भाव आपकी बॉडी के अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी एथलेटिक कैपेसिटी है किसी भी खेल को अच्छे से खेलने की, वो छठे भाव से हमें पता चलती है। तो छठा भाव एथलेटिक्स को दर्शाता है, एथलेटिक्स, खास तौर से एथलेटिक्स, हर प्रकार का खेल, पाँचवा और छठा भाव खेल के लिए मेन देखे जाते हैं। तो छठा भाव यदि प्रबल है तो व्यक्ति खेल क्षेत्र में भी अच्छा कर सकता है, अच्छी उन्नति प्राप्त कर सकता है। उसके बाद छठा भाव दर्शाता है खाद्य पदार्थ के उद्योगों को, फूड इंडस्ट्री, खास तौर से जो बेकर्स हैं, कन्फेक्शनर्स हैं, वो छठे भाव के अंतर्गत आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि छठे भाव के अंतर्गत आने वाले कितने भिन्न 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 प्रकार के व्यवसाय हैं। तो यदि आपको जानना है कि इन सारे व्यवसायों में से आपके लिए सबसे अच्छा व्यवसाय कौन सा है, तो आपको चारों निष्कर्ष सम्मिलित करके देखने होंगे। वो चार निष्कर्ष कहाँ से आएंगे? पहला निष्कर्ष होगा राशि से,
दूसरा होगा ग्रह से, तीसरा होगा भाव से और चौथा होगा नक्षत्र से। जब आप चारों को सम्मिलित करके देखेंगे तब आपको यह आसानी से ज्ञात हो सकेगा कि आपके लिए सबसे अच्छा व्यवसाय, सबसे अच्छा क्षेत्र जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं वो कौन सा है। क्योंकि एक ग्रह एक राशि में, एक भाव में और एक नक्षत्र में बैठता है। तो जब आपको, जब तक आप चारों के निष्कर्ष को सम्मिलित नहीं करेंगे तब तक आप उस सटीकता से जान नहीं सकेंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा, सबसे उत्तम क्षेत्र कौन सा है। तो ये हमने जाना आज के वीडियो में कि कौन कौन से व्यवसाय होते हैं छठे भाव के अंतर्गत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी जा सकते हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई भी ऐसा डाउट है जो आपको ज्योतिष से संबंधित, कोई भी ऐसा डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, आप मुझे मेल करें। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार और धन्यवाद।